अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली रजा और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रीलांसिंग मिथ्स, फ्रीलांसिंग के हवाले से क्वेश्चन आंसर्स, फ्रीलांसिंग के हवाले से जो बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे सवाल जवाब किए हैं उसके बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कशन करूंगा। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। फ्रीलांसिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू जॉब। सबसे बड़ा बेनिफिट जो फ्रीलांसिंग का जो मुझे फील हुआ जब फ्रीलांसिंग मैंने शुरू की तो वो था तवक्कल। जी हाँ, तवक्कल। तवक्कल ऐसे कि आपको एहसास होता है कि कोई और जात है जिसने आपके लिए रिस्क तायुन करना है। देखें, जब आप सैलरी वाली जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी फिक्स्ड है, आप नमाज पढ़े ना पढ़ें आपको इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आता, मगर मैंने फ्रीलांसिंग में देखा कि इसका इम्पैक्ट होता है। बहरहाल ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस हर एक अपने, आई अप्रिशिएट एवरीवन और आई रिस्पेक्ट एवरीवन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं जी मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ तो क्या मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। मुझे जब मेरा पहला गूगल का चेक मिला था, आई वॉज इन क्लास 8 और डॉलर 60 रुपये का होता था और मैंने वो अपनी अम्मी के नाम पे मंगवाया था। सो नॉट एन इशू एट ऑल। फिर दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा कहते हैं, अच्छा जी पैसे तो मंगवा लिए तो पैसे कैसे मंगवाएंगे जी, आप ये बताएं। अब देखिए, एक बंदा है उसको फ्रीलांसिंग कर ही नहीं रहा जी, कि पैसे कैसे मंगवाएंगे। भाई आपको पहले फोकस है कमाना फिर है निकलवाना। भाई पहले आप कमा तो ले फिर निकलवाने का सोचते रहिएगा। सो अगर आपका फोकस ही सारा टाइम इसी बात पे है कि जनाब मैंने वो पैसे निकलवाने कैसे, तो आप आगे नहीं जा सकते। देखिए निकलवाने के हजार रस्ते, आपका पहला फोकस होना चाहिए कि जी मैंने कमा लिए फिर मैं निकलवाऊंगा। कमाने के निकलवाने के हवाले से वैसे paynio.com बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसके साथ आपको कार्ड भी मिलता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा अपने बैंक में विड्रॉ लेना क्योंकि वो फॉरन रेमिटेंस में काउंट होता है। अगला सवाल है क्योंकि फॉरन रेमिटेंस से, वो क्या है जी के फ्रीलांसर्स को टैक्स के दायरे में आते हैं, कितना इनकम टैक्स जमा कराना पड़ता है। देखें अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं ना, फ्रीलांसिंग वेबसाइट के साथ या पर्सनल क्लाइंट्स के साथ, और आप इंटरनेशनल पेमेंट्स आप मंगवाते हैं, डॉलर्स में विड्रॉ लेते हैं या पेनियर से पैसे लेते हैं, तो डैट इज अ वाइट मनी, वो फॉरन रेमिटेंस से आती है, उस नॉन टैक्सेबल इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो क्लियर मनी होती है। हाँ अगर आप यहाँ पे लोकल सर्विसेज वगैरह देते हैं तो 8-10% सर्विस चार्जेस हैं जो कि लोकल में देने पड़ते हैं। ये सर्विस फीस है फॉर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लोकल में, बट अगर आपकी इंटरनेशनल क्लाइंटेज है और इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं तो ये इसके ऊपर कोई जो है ना सवाल, वो टैक्स नहीं है। अब अगला सवाल, अच्छा वो अगला सवाल मेरे पास ये था जी कि कैन आई डू फ्रीलांसिंग एज पार्ट टाइम। जी बिल्कुल आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम करें फुल टाइम करें आपके अपने ऊपर है। आइडियली रिकमेंड करूंगा पार्ट टाइम करना, आइडियली रिकमेंड करूंगा यूनिवर्सिटी लाइफ में शुरू करें ताकि जब तक आप ग्रेजुएट हो तब तक आप कुछ ना कुछ अपने पैर पर खड़े हो सके। नहीं तो यार एटलीस्ट आप कुछ कमा सके। सोचे यार आप पढ़े हों और आप अपने घर वालों को ट्रीट खिलाएं कि जी मैंने आपको, घर वाले कितने खुश हो जाएंगे इसी चीज से कि यार मेरे बच्चे ने कमा लिया है कभी पढ़ा है, तो उनके भी बड़ी अच्छी बात होगी। सो आपको पता भी लग जाएगा आप कितने पानी में है। आप जो सोचते हैं वैसे हैं, बंदा सोचते हैं बड़े बड़े कि यार मैंने बिजनेस प्लान है तो नहीं डाल देनी है मैंने अपना। देखिएगा सही, जैसे मैं फारिग हूंगा मैं तो अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ, ये सारी चीजें फारिग होने से पहले करनी चाहिए। द डे यू ग्रेजुएट उससे पहले आपके पास टाइम है करने के, सब चीजों को करें आप। अगला सवाल है मेरे पास कि जी कैन आई डू फ्रीलांसिंग एज मेन स्ट्रीम और आई नीड और डू आई नीड एडिशनल इनकम स्ट्रीम। देखें फ्रीलांसिंग इटसेल्फ में बहुत ज्यादा इनकम वेज हैं। मैं जरूर ये कहता हूँ कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए और एक ही जगह पे अपने, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक ही बास्केट में सारे अंडे या सारी अपनी चॉइसेस ना डालें। मगर फ्रीलांसिंग इटसेल्फ में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि भाई आप फाइवर पे अकाउंट बनाओ, आप अपवर्क पे बनाओ, आप पीपल पर आर्ट पे बनाओ, अभी तीन इनकम सोर्सेज हैं आपके। ये नहीं है कि आपने फ्रीलांसिंग के साथ आप जॉब ही कर रहे हो और ये चीज, हाँ ठीक है अच्छी बात है वो जॉब के साथ भी मैं रिकमेंड करूंगा, मगर ये नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग से आप कमा रहे हैं तो आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम तो आपने इसी तरह करना है। आप फ्रीलांसिंग में ही मल्टीपल इनकम स्ट्रीम ढूंढ सकते हैं मल्टीपल जगहों से, आप जिस तरह से एक क्लाइंट पर डिपेंड ना होना, मल्टीपल क्लाइंटों पर डिपेंड होना फाइवर पे, ये इटसेल्फ एक मल्टीपल इनकम स्ट्रीम की बात है कि हमें क्लाइंट पर डिपेंड नहीं है मल्टीपल क्लाइंटों पर। इसी तरह मल्टीपल फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर डिपेंड होना ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी काविश है। और इसी वो हाँ ये ना कर लेंगे इतना कुछ मल्टीपल खोलेंगे संभाला नहीं जाए, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि उसी सर्विस में मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज है फ्रीलांसिंग की। फिर मेरे पास सवाल है जी डू आई नीड अ डिग्री।
देखिए यू डू नॉट नीड अ डिग्री, आइडियली आई रिकमेंड डिग्री, मैं डिग्री इसका बड़ा फेवरेबल हूँ, बट आपको फ्रीलांसिंग में स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, प्राइमरी स्किल्स सर्टिफिकेट्स वगैरह से काम चल जाता है, बट डिग्री के बड़े अच्छे बेनिफिट हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्किल वर्सेस डिग्री, उसमें मैंने बताया भी हुआ है, बट आइडियली तौर पर देर इज नो सच एज रिक्वायरमेंट फॉर फ्रीलांसिंग, बट इट इज रिकमेंडेड टू गेट अ डिग्री फॉर योर सेल्फ। डिग्री आप अपने लिए ले रहे हैं, लोगों ने पता नहीं उसको नौकरी के साथ लिंक कर दिए। फिर मेरे पास सवाल है जी, डू आई नीड एन ऑफिस, मुझे ऑफिस चाहिए। फ्रीलांसिंग के लिए आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए, आप फ्रीलांसिंग कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं, आप इवन आप बीच पे जाके कर सकते हैं, इवन आप मस्जिद में आके कर सकते हैं, कहीं पे जाके कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है कि आपने कहाँ से फ्रीलांसिंग करनी है। ऑल यू नीड इज अ गुड लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड योर स्किल्स टू पे द बिल्स। और फिर एक सवाल आया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाईजान। कम्युनिकेशन स्किल को एक जगह मैंने पढ़ी थी, कोटेशन मैं शेयर करता हूँ कि 80% व्हाट मैटर्स इज आर योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड 15-20% मैटर्स आर योर टेक्निकल स्किल्स। यानी कि टेक्निकल स्किल्स 15% वैल्यूएबल है और 25% वो आपकी प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। आप कैसे बात करते हैं, क्लाइंट से डीलिंग कैसे करते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, बात अच्छी तरीके से कर सकोगे, क्लाइंट का दिल अच्छे तरीके से जीत सकोगे और आप उसे अपसेलिंग भी कर सकोगे। अपसेलिंग मतलब एक की जगह दो तीन चीजें बिकवाना, इसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत फोकस जरूरी है फ्रीलांसिंग के लिए। एक अच्छा फ्रीलांसर और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल लाजमी रखता है। ऐसा नहीं हो सकता है फ्रीलांसर बहुत अच्छा वेल नोन हो और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो। 99% में वही फ्रीलांसर्स कामयाब और अच्छे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। सो ये चीज आप में अगर नहीं है तो अपने आप में बिल्ड कर ले। फिर मेरे पे सवाल है कि जी मैंने फ्रीलांसिंग तो शुरू कर ली बट मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा है। ये मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल हिस्ट्री का बहुत बड़ा सवाल है। आप देखेंगे बाकी सब तो ठीक है यार, ये बाकी बातें तो बहुत हो गई, मुझे ये बताओ कि फ्रीलांसिंग में ऑर्डर कहाँ से आएंगे भाई। मेन गेम तो है ही ऑर्डर की। हाँ जी भाई, बात आपकी ठीक है, मेन गेम ऑर्डर की है और ऑर्डर्स आने चाहिए। ऑर्डर्स के लिए हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम अच्छी प्रोफाइल नहीं बनाते, अच्छी गिग्स नहीं बनाते और कहते हैं ऑर्डर आएगा तो साथ साथ इंप्रूव करते जाएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, मार्केट में काम करने के लिए अपने कंपेटिटर्स को देखना पड़ेगा, आपकी जो गिग है गिग कैसी है और आपकी कंपेटिटर्स की गिग कैसी है। क्या आपने उसके साथ वीडियो अटैच की है, नहीं अटैच की, क्यों नहीं अटैच की, मुझे नहीं समझ आता कि बगैर वीडियो के लोग कैसे काम कर लेते हैं। आपकी एक अच्छी वीडियो होनी चाहिए, एक अच्छी टॉप ऑफ द आर्ट इमेज अट्रैक्शन होनी चाहिए। देखिए इमेज पे पैसे लगाना आपके लिए फायदेमंद है। फिर आपकी गिग, आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, सेल्स पेज राइटिंग वाले किसी एक्सपर्ट से राइटिंग करवाई गई हो, किसी एक्सपर्ट से बड़ी अच्छी इमेज बनी गई हो और वीडियो भी बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ बनाई गई हो। फिर उसके बाद आप बाय रिक्वेस्ट में जाए, लोगों को डील करें, रेट्स अच्छे हो। फिर आप देखें ना, स्टार्टिंग में आपको अपनी सर्विसेज अच्छी देनी पड़ेगी। फाइवर पे ट्रेंड है जनाब, आपको एक दिन में चाहिए तो आपको $10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, $5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट स्टार्टिंग में आपको चीजें फ्री में देनी पड़ेंगी, वन डे डिलीवरी देनी पड़ेगी फ्री, ताकि आप क्लाइंट्स अट्रैक्ट करें, काम शुरू करें। सो कुछ चीजें आपको एक्सेप्शन देनी पड़ेंगी। आपकी गिग नहीं चल रही है, आप एडिट करें, प्रूव करें और साइड ऑन सर्विसेज दें। आपकी 7 गिग्स कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको 7 की ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर सारी की सारी गिग्स आपकी मार्केट में आनी चाहिए, साथ साथ पॉसिबिलिटीज रिलेटेड, यही है कि एक इस चीज में एक फलाओ उसमें, बल्कि रेलिवेंट एक ही कैटेगरी में। अगर आप फाइवर पे काम करें तो फाइवर को भी समझने में आसानी होती है कि ये बंदा किस स्किल की बेस के ऊपर है। और फिर उसके बाद बैग्स के साथ खेलें तो फिर आते भाई, पहली बात आपकी गिग आउट ऑफ द एक्सेप्शन होनी चाहिए कि इससे बेहतरीन प्रेजेंटेशन किसी की और है ही नहीं फाइवर पे। फिर उसके बाद आप ऑर्डर ना आए तो फिर मेरे पास आइएगा। फिर उसके बाद मेरे पास एक सवाल है, हाउ टू गेट बैक लॉस्ट क्लाइंट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई मैं अपने वो क्लाइंट्स जो कि मेरे लॉस्ट हो चुके हैं किसी वजह से, मैं उनको दोबारा कैसे लूं। देखें बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आपके भी मार्केटिंग एफर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे क्लाइंट्स को रिक्वायर करने के लिए एक वैसे मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आप जो अपनी एडवर्टाइजिंग रिसोर्सेज स्पेंड करते हैं न्यू क्लाइंट एक्विजिशन पे, उससे कम रिसोर्सेज में आप पुराने क्लाइंट्स के साथ आप काम कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि उसने आपके साथ पहले काम किया, उसने आपका ट्रस्ट जीता हुआ है, उसको पता है कि क्लाइंट कैसा है, मतलब आई मीन फ्रीलांसर कैसा है। सो ये सब चीजों को देखते हुए पुराने क्लाइंट को ले आने के लिए देखिए आपको नंबर वन उसके साथ रابطہ रखने चाहिए, काम हो ना और रابطے में रहना चाहिए, इन टच अच्छा और सर ठीक है, काम शाम ठीक है, बारी बारी और काम का कहेंगे तो वो बुरा मनाते हैं, बट बातचीत में होना चाहिए ताकि जब भी आपसे रेलिवेंट कोई काम हो तो उस जहन में आ भी। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता हूं तो मैं लोगों के साथ रابطے में रहता हूं, तो अब जब इनका डिजिटल मार्केटिंग का जहन आता है तो उनके जहन में मेरी रजा आता है कि हाँ इनकी इसकी कंपनी अच्छी है, इसके साथ काम करवा लेते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रابطے में रहना। फिर उसके बाद डील्स और डिस्काउंट देना कॉमन चीज है, डील्स और डिस्काउंट देना। मैं
और तरीके यूज करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं, आप देखें ना, मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ अपने ब्लॉग पे, मैं अपने यूट्यूब का चैनल भी चलाता हूँ, तो किसी ना किसी तरीके से लोग मेरे साथ रबते में रहते हैं, लोग किसी तरह मेरे साथ मिलते हैं, बात करते हैं, वो इनकनेक्शन होते हैं कि हाँ जी अली रजा आज नया आर्टिकल आया है, आज नया यूट्यूब का चैनल आया है, आज उसकी नई पोस्ट आई है, आज उसने, मतलब किसी तरह इन टच रहना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट को दोबारा एक्वायर करने में, क्लाइंट के साथ रबता रहना, इनडायरेक्ट रबता रहना, ताकि जब भी उसको आपकी सर्विस की जरूरत पड़े तो आपको रबता करे। हाँ, साथ आप ये डिस्कशन में ये कुछ अपनी केस स्टडीज होती हैं, बड़ा अच्छा तरीका होता है, केस स्टडीज के साथ भी क्लाइंट रही आ जाते हैं कि केस स्टडीज आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें। हाँ जी, केस स्टडीज हमने दिखाई थी, उसको देख के लोग आते हैं, लोग काम करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। फिर एक और मेरे पास मजेदार सवाल है कि शुड आई क्विट माई जॉब ऑन माई व्हेन आई गेट माई फ्रीलांसिंग ऑर्डर? नहीं, नॉट एट ऑल, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ स्टेबल सोर्स ऑफ फ्रीलांसिंग इनकम। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी परमानेंट जॉब को छोड़ दें इस चीज के लिए। हाँ, इसको एज अ पार्ट टाइम चलाएं, जब पार्ट टाइम अगर अच्छा, कुछ तो लोग कंटिन्यू करते हैं एज अ पार्ट टाइम, बट अगर आपको इसमें अच्छा पोटेंशियल नजर आता है, और ऐसा हो सकता है कि आप फ्रीलांसिंग इनकम पे ही रह सके, तो फिर आप इसके अंदर जाएं, इसमें परमानेंट पे जाएं और अपनी मेन जॉब को स्किप क्विट करें। बट स्टार्टिंग में ऐसा करना बेवकूफी होगी, एक क्लाइंट पे, दो क्लाइंट पे ऐसा करना, या तीन क्लाइंट पे करना, बट थोड़ा सा टाइम गुजर जाए फ्रीलांसिंग करते हुए, आपको भी समझ में आ जाए, मल्टीपल साइट्स पे हो जाए, और जब आपको महसूस हो कि हाँ मैं फ्रीलांसिंग के साथ में अकेले रह सकता हूँ और मुझे इसमें एक्सपेंशन की सख्त जरूरत है, तो फिर आप उस वक्त ये टफ डिसीजन ले सकते हो, उससे पहले मैं कोई रिकमेंड नहीं करता। सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा, बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, तो मैंने सोचा कि एक उसके बारे में वीडियो बनाऊं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट आउट। अल्लाह हाफिज़।